श्रीकाल जी सारों साडे चैनल पे तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज की आप वीडियो के अपना ही चिड़िया का डिजाइन तैयार करांगे। इस डिजाइन में तुसी चिड़िया का चंबा डिजाइन भी बोल सकते हो। ये देखो मैं थोनू सिर्फ एक चीज़ जी ये बारे दसागी, तुम वो बारे पहला प्रैक्टिस कर लो, फिर उस तो बाद ही आपके मंजे या पीढ़ियाँ या पक्षियों से इसमें ट्राई करो। सब तो पहला देखो ये लहरिया शुरू होंगे गा, इतों आप एक धागे चकेंगे फिर तीन फिर पांच, जो सत धागे चकने का सेंटर वाला एक धागा दबा देंगे, अगली बारी आप तीन धागे दबावे दोबारे फिर एक धागा, फिर उस तो बाद जो आप अगला लहरी में मोड़ते हुए धागा लैके आए तो आप एक धागा दबा के तीन धागे ये ने तीन ये हो गए तो एक सेंटर वाला सत धागे एक धागा ये दबावे सत धागे छड़ांगे दोबारे फिर एक धागा दबा देंगे। फिर हर बारी इस पॉइंट तो शुरू होंदे हुए देखो पहला एक धागा दबाया फिर दो फिर तीन 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 के दो धागे दबावे, इतने भी पहला आप एक धागा दबाया फिर दो फिर तीन दोबारे फिर तीन, चौथी बार जो आप वाला धागा पावे इतों ये दो धागे छड़ के ये वाले दो धागे दबाने हैं जिदे नाल कि अपनी चिड़िया का सेरा जोड़ा वो शुरू हो जाता। दो धागे दबा के ये दो धागे चक के जो ये वाला धागा पावे तो सेंटर वाला धागा अपन नाल चक लाँगे, इतने इस पॉइंट तो बाहर होके इतने दो धागे, फिर इस तो बाद देखो ये वाले दे दोनों साइडों तो एक धागा घट हो जूगा तो ये सेंटर वाला नाल चकेंगे, इतने फिर एक एक दोनों साइडों तो घट होके ये वाले दोनों धागे आप दबा ले सेंटर वाला उस तरह अगले धागे आप सेंटर वाला जोड़ा वह दबा देंगे, इस पॉइंट तो अपना ये वाला डायमंड तैयार हो जाएगा। चिड़ी बनाने वास्ते आप देखो पहला दो धागे दबाए फिर चार धागे फिर आप दो धागे दबा के एक धागा चकेंगे फिर इतने तीन धागे दबा देंगे, ये वाली चिड़ी बिल्कुल इसके ओपोजिट तैयार होगी। फिर इतने आप चार चार धागे दबावे आही पॉइंट इस तरह ही रहूगा। नैक्सट के इतने एक धागा वध गया ये वाली साइड से दो धागे वध गए, फिर इतों शुरू करते हुए इतने एक धागा वधूगा फिर इतों शुरू करते हुए एक धागा वधा देंगे, इस तो बाद इस पॉइंट तो शुरू करते हुए दो धागे दबाने हैं चार धागे चकने हैं दोबारे फिर चार धागे दबाने, ये वाले चार धागे ने भी इस तो बाद इस पॉइंट तो शुरू करते हुए इतने आप तीन धागे चकेंगे तो चौथा धागा दबा देंगे, इतने एक धागा बच जूगा, इस तो बाद इतों एक घट हो चुकिया, पहले दो धागे दबा के पिछले दो धागे आप चक लाँगे इतने फिर एक धागा बच जूगा, इस तो बाद इतों एक धागा घट हो जाऊ इतों एक धागा बच जूगा, फिर इतों एक धागा घट हो जूगा दो धागे दबावे तीन चकेंगे फिर दो दबावे फिर एक चकेंगे फिर तीन धागे पूछ दे, हर बार ये लहरिए की तरह यह चार धागे पाएंगे जिदे नाल पूछ तैयार होगी, तीन धागे इतने भी तीन है ये भी तो पैर आप अगे वाली साइड में मोड़ांगे दो दो धागे इन्हां दे विच ही रखांगे, इतने ये अपना जिहड़ा एक फ्लावर भी तैयार कर रहे हैं नाल नाल इतने इन्हों धागों के अपना डायमंड तैयार हो जाएगा, फिर एक धागा छड़ के फिर ये वाला शुरू हो जाएगा फुल, पहला एक धागा फिर तीन फिर पांच फिर ये सत्त सत्त दे तीन धागे आएंगे, तीन धागे जो सत्त सत्त दे पै गए तो दोनों साइडों तो एक एक धागा देखो जो वधूगा तो यह सेंटर वाला नाल चक्या जाऊगा, यानी कि चार चार धागे दबा के सेंटर वाला एक धागा चक्या गया, फिर हर बारी ये सारे धागे इस पॉइंट पर रहेंगे, पहला एक धागा चक्या फिर तीन फिर जो पांच चकेंगे तो सेंटर वाला दबाया गया दोबारे फिर तीन फिर एक, फिर इतने आप दोनों साइडों तो दो दो धागे घट करते हुए पहला सेंटर वाले धागे पांच दबावे फिर तीन फिर एक, ये अपना फुल पै चुकया, तो जिथे अपने ये पूछते पैर वाले खत्म हो जाएंगे उस तो बाद देखो इस सेंटर के सत्त धागे खाली बचेंगे, इन्हों धागे दबा देंगे
फिर हर बार की होगा एक साइड तो धागा घट हो जाए एक साइड तो वध हो जाए, पांच पांच धागे जिहड़े ने इस तरह ही इस पॉइंट तक चलते रहेंगे। फिर उस तो बाद की होगा दोनों साइडां ते एक एक धागा घट हो जाऊगा, इत्थे भी घट हो गया। फिर आप करांगे इत्थों दो धागे छड के दो धागे दबा देंगे, फिर तीन चकांगे फिर दो धागे, फिर इस तो बाद ये सारे दोनों साइडां ते एक धागा वधाउंदे हो ये सारे दबावांगे, फिर ये वाले सारे धागे। ये दो धागे पाने तो बाद जो अपना ए वाला धागा दोनों साइडों से एक एक बधावे तो सेंटर वाले उ तीन धागे आप फिर चक लाँगे, इस सिरे च सेम यही दोनों धागे जाएंगे। फिर इस तो बाद आप घटाने शुरू कर देंगे, नौ धागे सत्त धागे पांच धागे तीन तो एक, ये इस तरह फाइनली अपनी यह चिड़िया का चंबा जोड़ा डिजाइन है तैयार हो जाएगा। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर फिर भी डिजाइन समझन दे विच जां बनाउण च कोई प्रॉब्लम आती हो तो तुसी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो।